नमस्कार, मैं हूँ सोनिया और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बनाम परम पूज्य संत महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी के विचार। महाराज जी, श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान किसने बोला? गीता का ज्ञान तो इसमें कोई किसी भी तरह का है ही नहीं विचार। केवल भगवान श्री कृष्ण गीता के उपदेशता हैं, गीता के वक्ता हैं, और महर्षि वेदव्यास ने स्वयं ये बात स्वीकार करके कही है, गीता सुगीता कर्तव्य के मन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिसृतः। गीता को जीवन का गीत बनाओ। क्यों? क्योंकि ये स्वयं साक्षात भगवान के मुख कमल से निसृत निकली हुई दिव्य वाणी है। तो ये थे स्वामी ज्ञानानंद जी के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। पुण्यात्माओं, अभी तक आप जिससे भी बात करते हो कि श्री गीता जी का ज्ञान किसने बोला, तुरंत कह देते हैं, तपाक से कह देते हैं, श्री कृष्ण जी ने बोला। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बिल्कुल अज्ञानी है, इनको क्या इनका पता नहीं किसी चीज का। अब जैसे आपको कल कथा सुनाई थी कि श्री कृष्ण जी 3 बार शांति दूत बनकर गए थे, 3 बार शांति दूत बनकर गए थे युद्ध ना हो, और लास्ट में जब नहीं मानने हुए दोनों पक्ष, तो श्री कृष्ण जी ने यहां तक कह दिया था, मैं युद्ध नहीं करूंगा और एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं होगा, प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। तब पांडव ने सोचा कि तुम बेइज्जती होगी, हारो भी गए। श्री कृष्ण जी के ऊपर ही वह उछल रहे थे, तब उन्होंने कहा था, भगवान हमें 5 गांव दिला दो। जब श्री कृष्ण जी ने कौरवों से कहा जा करके कि आप 5 गांव दे दो पांडव को और तुम्हारा जो ना फैसला हो गया, लेकिन दुर्योधन की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, वो कहने लगा, सुई की नोक के समान भी पांडवों के लिए स्थान नहीं है, यदि उन्हें लेना है तो युद्ध करके प्राप्त कर सकते हैं। तब श्री कृष्ण जी ने दुर्योधन को खोटी खड़ी सुना दी कि तू शैतान, प्रजा का नाश करने के लिए उत्पन्न हुआ है, तो 5 गांव कहाँ, 5 गांव और कहाँ आधा राज्य, तेरी बुद्धि कहाँ चली गई नालायक, तू नहीं चाहता ये शांति हो इस क्षेत्र में, तू नाश करने वाला है। इस तरह की करड़ी करड़ी बातें कही तो श्री कृष्ण जी को अरेस्ट करने के लिए दुर्योधन आदेश दे दिया अपने योद्धाओं को। जो ही श्री कृष्ण जी को अरेस्ट करने की कोशिश की करने लगे वो योद्धा, तो श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया, और उस विराट रूप को दिखा करके सबकी आंखें चुंधी आ गई, इतना तेज निकला उनकी शरीर से, और वो आंखें बंद करके पड़ गए कि उनको कुछ नहीं दिखाई दिया, कुछ डर गए, कुछ सोफों के नीचे घुस गए। तो श्री कृष्ण जी वहां से बचकर निकल गए, अपना द्वारका चले गए। अपने आत्माओं, ये पॉइंट याद रखना कि श्री कृष्ण जी ने युद्ध के जो उनके कंप्रोमाइज कराने गए थे उस समय अपना विराट रूप दिखाया था, ठीक है। अब हम आते हैं गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 और 46, 47 और 48 में, उससे फिर क्लियर होगा कि गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण से भिन्न है। वहां गीता ज्ञान दाता कहता है जो कि मैंने अब ये विराट रूप दिखाया तेरे को, इस विराट रूप को अर्जुन तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने देखा। यदि श्री कृष्ण जी गीता बोल रहे होते तो ये शब्द नहीं कहते कि मेरे विराट रूप को तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा, क्योंकि श्री कृष्ण जी तो अपना विराट रूप कौरवों की सभा में दिखा चुके थे, सब कौरवों ने देख लिया था, तभी तो उनकी आंखें बंद हुई देख कर डर गए। इसे सिद्ध हो गया कि श्री कृष्ण जी ने गीता जी का ज्ञान नहीं कहा। अब देखिएगा अपनी आंखों से और इन सदग्रंथों को
आपके रूबरू करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 11 श्लोक नंबर 32। अब क्या कहता है, लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूँ। महाकाल नहीं है, प्रवर्द है, बड़ा हुआ काल है, अस्मि मैं काल हूँ, इसमें इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। ये प्रतिपक्ष की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ना करने से भी इनका नाश हो जाएगा। अब 46 में देखिएगा, 11 के अध्याय नंबर 11 का और श्लोक नंबर 46। अब अर्ध कृष्ण जब उसने विराट रूप दिखा दिया तो क्या कहता है कि मैं वैसे ही, अर्जुन कह रहा है हे विष्णु, यानी वो कृष्ण ही मान रहा है उसको और विष्णु ही मान रहा है अर्जुन, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए, हाथ में गदा, हाथ गदा चक्कर हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ, इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्रबाहो, सहस्रबाहो माने 1000 भुजा वाले, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। अपने आत्माओं 46 से हम चले हैं। श्री कृष्ण जी विष्णु जी के अवतार हैं और विष्णु जी 4 भुजा के भगवान हैं, पांचवी नहीं लगा सकते वो 2 भी बना सकते हैं और 4 भी दिखा सकते हैं, इससे अधिक नहीं है। और ये 1000 भुजा का भगवान, ये ज्योत स्वरूपी काल है, निरंजन है, ये ब्रह्म है। इसमें कहा कि सहस्रबाहो, सहस्राबाहो माने 1000 भुजा वाले भगवान, आप उसी चतुर्भुज में आइयो, क्योंकि श्री अर्जुन को पता है कि कृष्ण विष्णु का अवतार है और विष्णु जी 4 भुजा वाले हैं, तो आप उसी अपने चतुर्भुज रूप में आइए। इससे सिद्ध हो गया कि 1000 भुजा का भगवान ये काल है। आगे देखो, अब 47 में कहा है, गीता अध्याय नंबर 11 का श्लोक नंबर 47 देखिए। हे अर्जुन, अब गीता ज्ञानदाता बोलता है, ये भगवान वाच, श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजो में सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। क्लियर हो गया? आप पुण्यात्मा विचार करो, एक एक पॉइंट, ये है टीचर का काम। जो हमारे आध्यात्मिक में गुरु थे उन्होंने इतना गहनता से सोचना चाहिए था इसका अनुवाद करते समय कि ये क्या बोल रहा है, जबकि वो सभी कथाएं सुनाते थे, महाभारत की भी सुनाते थे, गीता भी पढ़कर सुनाते थे, शिवपुराण भी सुनाते थे, विष्णु पुराण भी सुनाते थे, और कहीं सिर पैर उनके ज्ञान का नहीं था। अब ये स्पष्ट करता है कि तेरे अतिरिक्त पहले मेरे इस विराट रूप को किसी ने नहीं देखा था, और जबकि श्री कृष्ण कौरवों की सभा में अपना विराट रूप दिखा चुके थे, सारे कौरव देख रहे थे। इससे सिद्ध है कि वो श्री कृष्ण गीता जी नहीं बोल रहे थे। आगे देखो 48 में क्या कहा है, 48 में फिर दोबारा यही बात कही है, हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेदों और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से, न उग्र तपों से तेरे अतिरिक्त दूसरे द्वारा नहीं देखा जा सकता हूँ। अब यहाँ फिर बता दिया है कि किसी भी प्रकार की कोई साधना जो वेदों में वर्णित विधि है या कोई यज्ञ साधना से, किसी भी प्रकार से मैं, किसी उग्र तपों से मेरा वास्तविक रूप ये काल रूप है, कोई भी नहीं देख सकता किसी भी साधना से, ना वेदों वर्णित विधि से, ना यज्ञ से, ना जप से, ना तप से। तो इससे सिद्ध हुआ कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं बोला, इस ब्रह्म ने बोला, ब्रह्म ने, और यही सदाशिव, महाशिव, महाब्रह्मा,
और महाविष्णु कहलाता है, और यही ब्रह्म है जो साधना की संतों ऋषियों ने, महर्षियों ने, भक्तों ने वेदों से ओम नाम का जाप लेकर के पूर्ण परमात्मा का नाम मान कह के ये जाप पूर्ण परमात्मा का है। वेदों में केवल एक ओम नाम के जाप का ही प्रावधान है और किसी मंत्र का नहीं है। ऐसे गीता जी में आठवें अध्याय के 13वें श्लोक में खुद गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि आठवें अध्याय के 13वें श्लोक में ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का केवल एक यह ओम अक्षर है, ये उच्चारण करके जाप करने का है। और जो यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति में, और जो इसको अंतिम श्वास तक इसका जाप करता असली छोड़ जाता है तो वो परम गति को प्राप्त होता है। मेरे वाले ज्ञान का मैं जो मेरे इस ओम नाम से मिलने वाली जो सुविधा है, जो स्थिति है, जो लाभ है, वो प्राप्त कर लेता है। इससे सिद्ध हो गया कि उस ब्रह्म का जो गीता बोल रहा है वो कहता है मेरा तो एक ओम नाम है, और विष्णु जी ने कहीं नहीं कहा ऐसा मेरा एक ओम नाम है। अब ये गीता का ज्ञान कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है ब्रह्म। अब ये गीता जी के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में आपने आप देखिएगा, क्योंकि सदग्रंथों को रूबरू कराना इसलिए नहीं अनिवार्य हो गया कि जब तक हम आख्या नहीं देख लेंगे इतना विश्वास ना होता, क्योंकि हम गलत ज्ञान को गणे दंत सुनते आ रहे हैं और वो ऐसा जम कर बैठ गया हमारे अंतःकरण में, हटाए तो नहीं हटता। एक झूठी बात को 100 बार किसी ने बोल दिया और 100 ने फिर आगे सुन लिया तो वह झूठी बात भी साची लगन लग जाती है कि सो भी कह रहा था, वो भी कह रहा था, वो भी कह रहा था। अब जैसे हमारे साथ ही क्रोथा कांड हुआ है, इसमें मीडिया ने 100% झूठ बोली, अधिकारी कर्मचारियों ने प्रारंभ में तो झूठ बोली लेकिन फिर बाद में सच्चाई बोलना पड़ा। अब उस अज्ञान को, उस झूठी अफवाहों को अखबारों में, सब मीडिया में पढ़कर उस झूठ को भी उन्हें सच्चा मान रखा। ऐसे ही आज हमारे जो सदग्रंथ हैं उनको लाखों वर्षों से, हजारों वर्षों से उनके यथार्थ ज्ञान के विपरीत उस झूठी कथाओं को हम सुनते भी आ रहे हैं, दंत कथाओं को, लोक वेद को, और वो लोक वेद हमने कति सच्चा लग गए हैं जबकि आज सदग्रंथों के कति विपरीत है। अब वो छूटना बड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि किसी एक ने, दो ने, दस ने, हजारों ने, लाखों ने वही ज्ञान सुना रखा था और वो हमने झूठा ज्ञान भी सच्चा लगने लग गया। अब उस झूठे को झूठा सिद्ध करने के लिए इन सदग्रंथों की आवश्यकता है, नहीं तो आप कति भी ना देखो और लड़ने लग जाओ हमारे साथ कि झूठा है, तो कपटी है, कहीं नहीं लिखा ऐसा। पुण्यात्मा एक बार एक अंधा रात्रि में लालटेन दिए जा रहा था, अंधा, कुछ बच्चे आ रहे थे उछल कूद करते हुए, अंधे ने आवाज लगाई, बच्चों जरा ध्यान से चलना, भाई मुझे दिखाई नहीं देता, मैं अंधा हूं बेटा। बच्चे वहां आकर चारों तरफ घेर लिया उस वृद्ध को, अंधे को, और पूछा कि बाबा क्या आपको दिखाई नहीं देता? तो अंधे ने कहा कि हाँ बेटा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, अंधा हूं मैं। तो बच्चों ने पूछा कि आपने फिर यह लालटेन किस लिए ले रखी है, टॉर्च क्यों ले रखी है? अंधे ने कहा कि तुम आंखों वालों के लिए, कहीं मेरे में टक्कर ना मार दो तुम, बूढ़ा आदमी टूट जाए मेरी हड्डी, कोई उठाव न बिठाव फिर बेटा। तो पुण्यात्माओं ये सदग्रंथ जो है इस दास को आवश्यकता नहीं थी, ये नहीं कि ये मेरे लिए आदरणीय नहीं है, क्योंकि सबसम जो सूक्ष्म वेद है जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा है कि इस प्रकार के जो 25 से लेकर 30 31 तक जो ज्ञान दिया है चौथे अध्याय में, कोई ऐसे साधना करता है, कोई ऐसे साधना, ये इस प्रकार की साधना उस ब्रह्मणे मुखे माने सच्चिदानंद घन परमात्मा की वाणी में, उनके मुखारविंद से उत्तरित वाणी में विस्तार से कहे गए, उसको तू ध्यानपूर्वक सुन और वो कर्मों से काम करते करते पूर्ण होते हैं, हठ योग से नहीं। अब स्वाभाविक कर्म करने से वो सोसम वेद में बताए साधना संपूर्ण हो जाती है। और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा के मुखारविंद से उच्चारित है, भगवान सच्चिदानंद घन की वाणी में जो है, वो सोसम वेद को तू किसी तत्व दर्शी संतों से बुझाकर सुन
और उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से, वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे, पूर्ण परमात्मा की क्षमा जानकारी देंगे। तो पुण्यात्माओं, मेरे पास वो सूक्ष्म वेद उपलब्ध था मुझे, और सूक्ष्म वेद के आधार पर इस दास ने सन 1994 से लेकर सन 2000 तक, 2001 तक उसी सूक्ष्म वेद से ही प्रचार किया, और हजारों की संख्या में पुण्यात्माओं ने स्वीकार किया, क्योंकि वो उसमें साथ के साथ समाधान परमात्मा देते हैं, दुख दूर करते हैं वो पूर्ण परमात्मा। फिर इस दास ने प्रार्थना की, अर्ज की थी परमेश्वर से, हे प्रभु ठीक है, आपके ज्ञान में कोई कमी नहीं मालिक, और आपकी शक्ति में कमी नहीं, हम देख रहे हैं ऐसे ऐसे सुख अपने बच्चों को दे रहे हो आप, लेकिन ये भ्रमित समाज, इन नकली संतों द्वारा भ्रमित समाज, नकली महर्षियों द्वारा भ्रमित समाज को, यह समाज तो परमात्मा वेदों और गीता से, पुराणों से ही समझ सकेगा आपको, अगर उसमें आपका विवरण मिल जावे। उसी समय इस दास को वह वाणी याद आई कि वेद हमारा भेद है, पर मैं वेदन में नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। तो इससे ये आत्मा में एक बात चुभी कि परमात्मा जो बोल रहे हैं कि वेद मेरा ही भेद है, तो अवश्य परमात्मा की महिमा पावेगी। अब समस्या संस्कृत नहीं आवा हमें, लेकिन वो समाधान जब वेद लाए, गीता जी लाए, गीता जी का तो पता था भी, ये हिंदी भी अनुवादित है, अनुवाद की गई है, वेदों को लाए तो देखा उसमें अनुवाद किया हुआ है उन व्यक्तियों ने, उन अनुवादकर्ताओं ने, जैसी उनकी बुद्धि ने काम किया, लेकिन कुछ गलत बहुत कर रखा है, सत्य नहीं कर पाए, क्योंकि उनको सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं था। अब जैसे कोई विदेशी व्यक्ति और हिंदी सीख ले, एमए कर ले हिंदी में कर ली, और उसने रामायण की चौपाई कर दे दे कि इसका अनुवाद कर, और उसको मौखिक ज्ञान है नहीं रामायण की कहानी का, तो अनुवाद करेगा तो गुड़ का गोबर कर देगा, वो के का के लिखेगा, रावण का कुछ लिख देगा, एक रुलाने वाला था, सीता ठाली, सीता पता ना लाकड़ी थी कोई और थी, मतलब इस तरह के वो ज्ञान अनुवाद कर देगा, लेकिन वो यथार्थता तक नहीं पहुंच सकता। तो सृष्टि रचना का जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं, वह सदग्रंथों का अनुवाद नहीं कर सकता, कितना ही विद्वान बना रहा, संस्कृत एक लैंग्वेज है, उसने संस्कृत आ गई लेकिन कथा नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो उस लैंग्वेज से वो अनुवाद करके के देगा हमारे को, ऐसा उन्होंने किया हुआ था। फिर भी इस दास ने देखा, पांचवें अध्याय के 32वें श्लोक में, कबीर अंगारी असी आयुसरोसी बंभारी असी, ओहो रत धामा सवर ज्योति रत धामा असी, वो तेरे की, वो कबीर परमात्मा पापों का शत्रु, पाप का टनाला, और बंधनों का शत्रु, बंदी छोड़ रत धामा सतलोक में, सतलोक वास का मालिक, वो तेरे की। और फिर इच्छा बढ़ती चली गई कि जिसी भी, फिर हमने शब्द कोश लाए, शब्द कोश के आधार पर अनुवाद किया, तो जो अनुवाद उन व्यक्ति, इन महर्षियों ने, नकलियों ने कर रखा था, वो बिल्कुल गलत कर रखा था, और सर्वसम वेद हमें ज्ञान था, दो मिनट में सरलार्थ हो गया वो किया। तो सबसे पहले इस दास ने गीता जी को देखा, गीता जी को पढ़ने लगा तो देखा कि वो परमात्मा तो गीता ज्ञान दाता से कोई और है, जिसकी महिमा गाई गई है, वह परम अक्षर ब्रह्म है, वही पूर्ण परमात्मा है। तो पुण्यात्मा, इसलिए इन सदग्रंथों की रोशनी में उस तत्व ज्ञान को फाइनल करने के लिए, ये तत्व ज्ञान जो कबीर परमेश्वर ने दिया था वो ज्ञान 100% सही है, और इसका हमारे सदग्रंथ भी समर्थन कर रहे हैं। अब जो हमारा पवित्र हिंदू समाज है वो इन पवित्र सदग्रंथों पर आरूढ़ है, पवित्र चारों वेदों पर, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता पर, पवित्र पुराण और महाभारत पर। अब ब्रह्मा विष्णु महेश को ये दास पहले ही बताता था कि ये नाशवान है, ये अजर अमर नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, लेकिन वो व्यक्ति तो मानते थे, हमारे जो विशेष संपर्क में आए थे, जिनके सुख हो गए थे घरों में,
वो तो मानन लायक गए थे कि भाई हमने ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते ना कितने दिन हो गए, तेरे कोई लाभ नहीं हुआ, और अब गुरु जी जो नाम दे रहे हैं महाराज जी इससे हमें लाभ हो रहा है, तो वो तो इसलिए स्वीकार कर रहे थे। लेकिन उनमें से बहुत से डगबे हो जाते थे, जब सुख हो जाता था आना बंद कर देते थे, दूसरे लोग भ्रमित कर देते थे कि तुम्हारे महाराज जी झूठ बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं है, वो तो अजर अमर है। तो जब ये उन को ये सदग्रंथ दिखाए तो दांतों तले उंगली दबाई, दास ने दिखाया, उन्होंने घर जाकर देखा, मोल लाए, फिर सच्चाई को स्वीकार किया और दास से उपदेश लेने आए। आपको अगर मैं सीधा कह दूं ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है तो सिर फोड़ने तैयार हो जाए हिंदू समाज दास का, और साथ में फिर लालटेन दिखा देता हूं मैं, देखियो भाई कदे मेरा मेरे गिर टकरा जाओ बूढ़े आदमी गिर। आपकी इस सदग्रंथों की रोशनी में मुझसे बच जाओ, वो फिर मुझसे टल जाएंगे, सदग्रंथों को देखने लग जाएंगे, उस रोशनी में फिर वो ठीक रास्ते पर चलकर मुझसे भी नहीं टकराएंगे और अपना कल्याण जिसने करवाना है वो कल्याण करवा लेंगे, ना करवाना वो बाढ़ में जाओ, वो चुप अवश्य हो जाएंगे। न्यू नहीं कह सकते कि वहाँ नहीं लिख रखा, अगर रामपाल झूठ बोल रहा है ये जुबान उनकी बंद हो जाएगी, इसलिए सदग्रंथ दिखाना अति आवश्यक है। अब देखिएगा गीता जी का ज्ञान, ब्रह्म ने कहा जिसका ओम अक्षर है, देखिए, और वही महाशिव महाब्रह्मा महाविष्णु रूप धारण करता है। देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता, ये लालटेन दिखाता हूं आपको, ये वही पुस्तक है, आठवें अध्याय का 13वां श्लोक, तेरा, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुशमरण, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम, ओम ही यह एक अक्षर है, व्यवहारण माने उच्चारण करके, अनुश्रवण माने श्रवण करता करने का, श्रवण करता हुआ मेरे इस माम माने मेरे यानी मुझ ब्रह्म के, मुझ ब्रह्म के इस ओम इति एक अक्षर का जो भी उच्चारण करके श्रवण करता हुआ, और यह प्रजाति तजन देहम सयाति परमाम गति, तजन देहम शरीर छोड़ने तक जो इसका जाप करता है वह मेरे वाली गति को प्राप्त होता है, यानी परम गति को प्राप्त होता है। यहाँ से शुरू होता है, इसमें 12 और 13 दोनों का अनुवाद इकट्ठा है, यहाँ तक तो 12 हो गया। यहाँ से जो ओम, जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को, एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ रूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता हुआ पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब इन्होंने कहा मुझ निर्गुण ब्रह्म का, इनका सीधा कर दे मुझ ब्रह्म का, इन्होंने ज्ञान तक में था नहीं उलझा रखा, इस एक अक्षर अक्षर रूप ब्रह्म कह दिया। अब जबकि यह सीधा है कि मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है और यही उच्चारण करके श्रवण करने का, जो अंतिम श्वास तक श्रवण करता हुआ श्री छोड़कर जाता मेरे वाली गति को प्राप्त होता परम गति को। अब यही गीता ज्ञान दाता वही है जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, जिसको सदाशिव काल भी कहते हैं। अब ये इतना कठिन जटिल का ज्ञान उलझा दिया अज्ञान ने, इसको सुलझाने के लिए ना जाने कितने प्रमाण आपके समक्ष रखने पड़ेंगे। देखिएगा शिवपुराण, ये शिवपुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, संक्षिप्त श्री शिवपुराण, संपादक हैं अनुमान प्रसाद पोदार, और ये यहाँ से प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके देखिएगा प्रश्न नंबर 26 पर, अब इसमें वो प्रसंग है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का आपस में इस बात पर युद्ध हो गया, ब्रह्मा जी कह रहे थे मैं विष्णु का पिता, विष्णु का था मैं तेरा पिता, झगड़ा हो गया। तो उस समय ये काल रूपी ब्रह्म ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग जो है
वो चौथा, वो आकर प्रकट हुआ शिव रूप में। उसने अपने काल रूप में जो गीता में अर्जुन को दिखाया था वो उसका वास्तविक रूप है। उसने प्रतिज्ञा की है कि इस वास्तविक रूप में मैं कभी किसी को किसी विधि से, किसी जंतर मंतर जाप से, तप से दर्शन नहीं दूंगा। वो इसलिए शिव रूप में या विष्णु रूप में, ब्रह्मा रूप में दर्शन देता है, इसलिए उसको महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव कहने लगे, है वो ब्रह्म। अब यहाँ देखो, ये है संक्षिप्त शिवपुराण पृष्ठ नंबर 26 पे, और ये है विद्वेश्वर संहिता 126 पे नीचे आ जाते हैं। अब ये काल रूपी ब्रह्म, ये काल बोलता है शिव रूप में धारण करके, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक दो कृत प्राप्त किए, ये दोनों ही बहुत तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में दो अन्य उत्तम कृत हैं, कृत सहार और त्रोभाव मुझसे प्राप्त किए। इसे कैसे दोया कि ये तुम दोनों ने, सतीथि विष्णु ने और सृष्टि ब्रह्मा ने, इन तुम दोनों ने दो कृत प्राप्त किए हैं, यानी ब्रह्मा और विष्णु को तो यहाँ बता दिए हे पुत्रो, और फिर दो और बताया रुद्र और महेश ने ये दो और प्राप्त किए हैं सहार और त्रोभाव, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश अपने कर्म को भूले नहीं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है, यानी रुद्र को और महेश को तो उसने काल ने जो महाशिव रूप में दर्शन देता है उसी जैसा रूप इनको दिया हुआ है, उनसे मिलते जुलते हैं इनके स्वरूप। ये सिद्ध हुआ। आगे देखो, ये लिखा है वे रूप वेश कर्थ वाहन आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही है। इसे सिद्ध हो गया कि जो शिव हम देखते हैं उसके समान ही ये ब्रह्मा है, ये ब्रह्म है, काल है। यहाँ ये क्या बता रहा है कि इन सभी ऊपर सारा बताया है इन्होंने, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया था, किया है जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है, वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ। अब यहाँ देखो, ऊपर इनके विषय बताए हैं, अकार मुख से उकार, दक्षिण मुख से अबकार, पूर्ण मुख से बिंदु, ऐसे ऐसे कहते हैं। इन सभी अवयों से एकीभूत होकर वह पर्वण मंत्र ओम नामक एक अक्षर हो गया। आहार, ओम नामक एक अक्षर है ये, ओम नामक एक अक्षर। यही सिद्ध करना चाहता था कि ये ओम एक अक्षर जो जिसका जाप है वो ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश से भिन्न है, वो श्री कृष्ण नहीं है जो गीता बोल रहा। अब देखो 53 में, यहां देखिए इन्होंने जो ये ओम नमः शिवाय यही पांच मंत्र का अक्षर इन्होंने सिद्ध किया है मुख से, एक दो और बिंदु तीन, मध्यवर्ती मुख से नाद, इस प्रकार पांचवा अवय युक्त, इन पांचों अवय से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयव से एकीभूत होकर वह पर्वण मंत्र ओम नामक एक अक्षर हो गया। अब यहां इन्होंने क्या बताया है कि ओम नमः शिवाय यह पंच अक्षर मंत्र है, ये किसी अपनी सोच है, ये मूल संस्कृत में नहीं है। ये जो ओम नमः शिवाय जो बताया, अनुवादकर्ता ने अपनी सोच घसोड़ दी और हिंदी पढ़ने वालों ने इसी मंत्र पर जोर लगा दिया। आपको मूल संस्कृत दिखाना पड़ेगा। ये है शिव महापुराण हिंदी टीका सहित, और ये कहाँ से प्रकाशित है, श्री शिव महापुराण विद्या अवृद्धि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्रकृत हिंदी टीका सहित, और ये कहाँ से प्रकाशित है, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई से। अब इसके विद्वेश्वर संहिता शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता अध्याय नंबर 10 का, इसी ओंकार से सब जगत बोधक पर्वण मन उत्पन्न हुआ, वही ओम। इस प्रकार पांच प्रकार से यह निर्गत हुआ, यह एक ओंकार होकर ओम ऐसा एकाक्षर हो गया। एकाक्षर ओम का अर्थ एकाक्षर समझो, ओम एकाक्षर है। ये 19 में कहा है हिंदी में, ये 19 है, ये 20वां है, ये 20वां है, और ये स्पष्ट क्या है, आकार पूर्वक मकार पश्चिम अनंत और
मकार दक्षिणोमुख इस प्रकार बिंदु, ये है नादो मध्यमुख, मध्यमुख देवम पांच पंसी। अच्छा यहाँ एक एक की भूत पुनः तत् उदो ओम इति एक अक्षरो भवत। इसमें कित ओम नमः शिवाय नहीं है, बीस के बीस में कहीं पर भी ओम नमः शिवाय का जिक्र नहीं है। फिर देख लो ये सत्रहवां ये अठारहवां, यहां से है ये नौ उन्नीसवां, इसमें कहीं पर भी ओम नमः शिवाय नहीं है। एक ही भूत पुनस्तद तदो ओम इति, ये ओम तत् ओम इति एकाक्षरो भवत है, इसका अनुवाद इन्होंने यहां किया है। वैसे तो यहां से शुरू किया है इन्होंने, कहीं से देख लो, रूप वेश दारी आसन हमारी मेरी साम्यता थी, ये वही है जो मैंने वहां सुनाया था। इसमें यहां भी यही लिख रखा है कि पुत्रो, वही प्रकरण है, पुत्रो यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है जो कि सृष्टि उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं, परंतु अन्य ग्रह मैंने किसी को पाने में समर्थ नहीं है। तो यहाँ यही प्रसंग है जो मूल संस्कृत में भी, और यहाँ रुद्र और महेश ने उनको नहीं बुलाया इसलिए वो मेरी सम्मानता में हैं, इसलिए वो मेरे जैसे ही हैं रुद्र और महेश। यहाँ देखो रूप वेश कृत आसन वाहन और आयुध आदि में मेरी साम्यता थी, हे सोम मेरे ज्ञान के विमुख होने से तुम्हें अज्ञानता आ गई, किसको ब्रह्मा विष्णु को करें, और मेरे ज्ञान न होने से ऐसा, ज्ञान होने से ऐसा नहीं होता, ज्ञान और रूप महेश के तुल्य सो जाता है। इस प्रकार इस ज्ञान की सिद्धि के लिए निमित्त ओ ओंकार नामक मंत्र जप करो, और कुछ भी मंत्र नहीं बता रहा, क्या ओंकार नामक मंत्र जप करो, यह अभिमान का दूर करने वाला है, सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं, यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही समान है, मेरे ही रूप का बोधक और महामंगल करने वाला है, यह वाचक है और मैं वाच्य हूँ, यह मेरा मेरा आत्मा मंत्र आत्मा है, मेरा आत्मा है, इसके स्मरण से मेरा स्मरण होता है। उत्तर की ओर से मुख से आकार, पश्चिम के मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार और पूर्व के मुख से बिंदु, मध्य मुख के मुख से नाद उत्पन्न हुआ, इस प्रकार पांच प्रकार से यह निर्गित हुआ, यह सब प्रकार से एक हो ओम ऐसा ऐसा एक अक्षर हो जाता है। यह नाम सब रूपांतक भूत वेद वेद भूत दोनों कुल अर्थात क्षत्रिय पुरुष भेद से भौतिक शरीर वर्ग दो का भेद वाला है, यह इसी मंत्र से व्याप्त और शिव शक्ति का बोधक है आदि आदि। इसी ओंकार से सब जगत बोधक प्रवण उत्पन्न हुआ है, अकार आदि क्रम से अर्थात अकार से नकार से उकार से मकार से सी बिंदु व नाद से यह प्रकट हुआ, पांच अक्षरों का हो गया, पांच मात्राओं से, और इसी पंचाक्षर से पांच भेद से मृत का आकार से ऋण का परिणत हुई, ये सारा कुछ लिखा हुआ, इससे और भी जो बने हैं, लेकिन ओम में शिवाय कहीं नहीं बनता इससे। सब वेद उत्पन्न हुए हैं, सब करोड़ों मंत्र उत्पन्न हुए, उस मंत्र से ओम से ही उसके कथनानुसार सिद्धि होती है, परंतु पंचाक्षर मंत्र से यह सिद्धि होती है, परंतु पंचाक्षर मंत्र से यही पंचाक्षर मंत्र है सिद्धि होती है, इसे मूल मंत्र से सब इस मूल मंत्र से सब सिद्धि भोग मोक्ष आदि सिद्धि होती है, काल सहित सब, कहीं पर भी इसमें ओम नमः शिवाय नहीं है इस मंत्र पिता विष्णुवाद में। आगे देख लो ये कहीं भी इसका वो नहीं है, तो हमने ये यहाँ तक देखा ये 19 में, तो इन्होंने इसमें ओम नमः शिवाय अपनी ओर से घुसेट दिया, और इन भोली आत्माओं ने हिंदी हिंदी वाली पढ़ ली, उसमें ओम नमः शिवाय का रटना ला दी, ये ओम नमः शिवाय शास्त्र विरुद्ध मंत्र है, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है। और गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं करते हैं उनको ना तो कोई सुख होता ना गति ना उनकी कोई सिद्धि होती है। अब ये क्लियर हो गया, यही 53 पर भी देखो, ये वही संक्षिप्त शिव पुराण
विद्वेसर संहिता प्रश्न नंबर 53 पर 53 पर पर्वण के दो भेद बताए गए हैं, सथूल और सूक्ष्म। यह एक अक्षर रूप जो ओम है उसे सूक्ष्म पर्वण जानना चाहिए। इन्होंने ये अपनी तरफ से नमः शिवाय इस पांच अक्षर वाले मंत्र को सथूल पर्वण सुना नहीं, ये जो ये सारा इन्होंने अपनी तरफ से घसोट रखे। हाँ, जो वो हमने 26 पे देखा था इसमें कहीं पर ऐसा नहीं है। ये 26 पृष्ठ पे, हे पुत्रो तुमने दोनों तपस्या करके मुझसे मुझ पर मेरे से सृष्टि स्थिति थी, ये पढ़ लिया आपने, तो यही आगे उपदेश करता हुआ आ रहा है कि मेरे पहले सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार प्रकट हुआ जो मेरे स्वरूप का बोधक है, ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ आदि। मेरे उत्तरी मुख से आकार का, पश्चिम मुख से उकार का, ये सारा वही आ रहा है। इन सभी अवश्य एकीभूत होकर यह पर्वण ओम नामक एक अक्षर हो गया। अब यहाँ वह अकार आदि क्रम से और मकार आदि क्रम से कर्म से प्रकाश में आया है। ओम नमः शिवाय ये पंचाक्षर मंत्र है, ये इस अनुवादकर्ता की अपनी सोच है, भगवान की तरफ से नहीं है। इस पंच अक्षर मंत्र से मातृवर्ण प्रकट हुआ जो पांच वेद वाला ये आ गया। इन्होंने ऐसा नहीं है, ये अनुवादकर्ता ने ओम नमः शिवाय अपनी तरफ से दिया। और ये सिद्ध करना था कि ये ओम जो है ये एक अक्षर शब्द है अलग से, इन्होंने अनुवादकर्ताओं ने ये काम बिगाड़ रखा है कि गीता जी का अनुवादकर्ताओं ने भी ये लिखा है कि ओम एक अक्षर ब्रह्म स्वरूप नहीं, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का ओम इति एक अक्षर, ये एक अक्षर है। ये भी सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता ये काल है, ये सदाशिव महाशिव और महाब्रह्मा महाविष्णु आदि का रूप धारण कर लेता है। और जिसने महाविष्णु रूप में देखा उसको तो उसने शिवपुराण की रचना कर दी, महाशिव रूप में देखा जाना, और जिसने महाविष्णु रूप में देखा उसने विष्णु पुराण में उसी को हीरो बना लिया, और फिर महाविष्णु में इसकी स्थिति अलग से बताई गई है। अब प्रसंग चल रहा है कि गीता जी का ज्ञान किसने कहा? श्री गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं कहा, उसमें प्रवेश करके काल भगवान सदाशिव जिसको कहते हैं, चाहे महाविष्णु कहो, जो ब्रह्मा विष्णु अर्थात कृष्ण जी हुर का पिता है, उसने ये ज्ञान बोला, ये सिद्ध हुआ। फिर कुछ कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता जी का ज्ञान इसलिए देना पड़ा कि वह क्षत्रिय धर्म से विचलित हो रहा था और अक्षत्रिय नि अक्षत्रिय हो जाते हैं, पुण्यात्मा या विवाद निजस्ती। श्री कृष्ण जी अक्षत्रिय धर्म से बिलोंग करते थे और जब मथुरा के ऊपर काल्यवन ने चढ़ाई की, 18 करोड़ सेना लेकर के युद्ध किया करने के लिए आया, तो श्री कृष्ण जी उस समय कंस को मारकर अपने नाना जी अगरसेन को गद्दी पर बैठा दिया था। लेकिन अगरसेन बहुत वृद्ध हो चुके थे, टूट चुके थे, उन्होंने अपने दोते श्री कृष्ण जी को ही ये सेना की बागडोर दे दी थी, राज की बागडोर दे दी थी। तो उसी समय कंस का प्रतिशोध करने के लिए लेने के लिए काल्यवन चढ़ाई कर दी। तो श्री कृष्ण जी अक्षत्रिय थे, सेना भी उसके पास थी, लेकिन कुछ दिन पहले नारद जी ने श्री कृष्ण जी को बता दिया था कि यहाँ एक गुफा में मुचकंद नाम का एक राक्षस राजा है, वो 6 महीने युद्ध करता है, 6 महीने सोता है, उसके पास ऐसी सिद्धियां हैं कि उन सोते हुए को 6 महीने सो रहा होता है, यदि कोई जगा दे तो उसमें से अग्नि बाण निकलते हैं उसकी आंखों से और वो सामने वाला मर जाता, तुरंत नष्ट हो जाता है। नारद जी ने इसलिए बताया था कि कहीं आप उसने छेड़ दो और आपको आपत्ति आ जाए, वो न्यू बता के गए थे। तो वो बात श्री कृष्ण जी का याद आ गई, तो श्री कृष्ण जी ने जब देखा कि 18 करोड़ सेना आ गई है और हमारी सेना बहुत कम है, और यदि अक्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए ही अर्जुन को प्रेरित करते तो स्वयं वो युद्ध छोड़कर नहीं भागते। श्री कृष्ण जी ने जब देखा कि इतनी सेना आ गई है, हम इसका युद्ध नहीं कर सकेंगे और सेना मर जाएगी, क्या रखा इस बात में, ये अक्षत्रिय अपना यही दरा दरा रह जाएगा, उल्लू सीधा करना है, शत्रु मरवाना है, और भाग लेता हूँ, उस गुफा में प्रवेश कर जाऊंगा जहां पर काल्यवन है, इससे उसको मरवा दूंगा। तो श्री कृष्ण जी ने काल्यवन को
ललकारा के आ नीचे, आ मेरे साथ युद्ध कर। तो उसमें राजा से राजा युद्ध करता था, मंत्रियों से मंत्री, और उनकी पहचान रेशनरी होती थी सैनिकों से सैनिक। तो जो ही काल्यवन नीचे रथ से कूदा गदा लेकर, श्री कृष्ण भी सामने हुआ, जब फिर श्री कृष्ण जी भाग लिया युद्ध छोड़ के, और जिस कारण से श्री कृष्ण जी को रणछोड़ भगवान कहने लगे। रणछोड़ माने युद्ध छोड़ के भागने वाला भगवान। अर्नो क्या करते, जय हो रणछोड़ भगवान की। इनो बेरा ना ये श्री कृष्ण जी की बेइज्जती करें कि इज्जत करें, रण छोड़ के भागने वाले भगवान की यानी कायर की जय हो। रण छोड़ भगवान कहना कायर कहना, इसका सीधा अर्थ है। तो ये से हम नारे लाया करते इन भगवानों के। तो श्री कृष्ण जी ने अपना क्षत्रिय धर्म को नहीं देखा, जनता के संहार को देखा, लाखों लोग मर जाएंगे, एक नाश हो जाएगा, युद्ध हो गया तो बात बिगड़ जाएगी। तो वहां जाकर के मुचकंद राजा जिस गुफा में सो रहा था, उस मुचकंद वाली गुफा में गहरा चला गया। वहां जाकर के अपना जो कपड़ा था पीतंबर साथ लिया रखा करते एक चादर, वो मुचकंद के ऊपर उड़ा दी और आप अंदर जाकर दूर खड़े होकर देखने लगे। अब काल्यवन उसके पीछे पीछे श्री कृष्ण को मारने के लिए उसी गुफा में पहुंच गया, कंदरा में। आगे काल्यवन ने सोचा कि ये सो गया, कृष्ण लुक के यहाँ छुप गया, कपड़े तो पहचान लिया, पीला कपड़ा था जो उसका पीताम्बर था, और टांग पकड़ कर मरोड़ दिया मुचकंद को। कृष्ण जान के खड़ा हो कायर, तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। अब मुचकंद की निंद्रा भंग होगी, उसका क्रोध हुआ, क्रोध से उसकी आंखों में अग्निबाण छुट्टे और काल्यवन मारा गया। अपुण्य आत्माओं विचार करने की बात है, यदि ये थ्योरी इन लोकवेद सुनाने वालों की, गीता वालों की ठीक होती कि अर्जुन युद्ध अक्षत्रिय धर्म से गिर रहा था इसलिए उसको अक्षत्रिय धर्म का पालन कराना आवश्यकता, नहीं तो अक्षत्रिय ने क्षत्रिय हो जाते। श्री कृष्ण जी स्वयं अक्षत्रिय धर्म को नहीं त्यागते, वो भी युद्ध में लड़कर मर और मार डालते। इसे सिद्ध है कि श्री कृष्ण ने युद्ध प्रिय नहीं थे, वो तो मजबूरी में जैसे कंस और कैसी नजमा करती है सिर पर चढ़ गिर, कोई समाधान नहीं छोड़ा, वो बात अलग थी, उनको मारना पड़ा, लेकिन इस तरह अनुरोध कराने के वो हक में नहीं थे। अब वहां तो एक कंस था और एक कृष्ण था, मार दिया कोई बात ना, और तो नहीं मरे। एक केसी था एक कृष्ण था, केसी भी मार दिया भगवान ने, वो पाप था दुष्ट था। अब वहां तो एक दुष्ट राजा करोड़ों आदमी मरवा दे गए सैनिक ला के, इसलिए श्री कृष्ण जी ने युद्ध ना करना उचित समझा। इससे सिद्ध है कि श्री कृष्ण जी ने गीता जी का ज्ञान नहीं दिया, क्योंकि श्री कृष्ण जी में गीता के ज्ञान को रह रहकर, ज्ञान में अर्जुन को रह रहकर गीता ज्ञान दाता ने प्रेरित किया, तो युद्ध कर ले मैं तेरे साथ हूँ, तू तेरे दोनों हाथों में लड्डू है, यदि तो युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग प्राप्ति होगी और विजय हुआ तो पृथ्वी का राज भोगेगा। तो गीता ज्ञान दाता का मुख्य उद्देश्य युद्ध कराना था, अर्जुन का मुख्य उद्देश्य था युद्ध से टलने के लिए, ज्ञान में उलझा दिया उसको कि भगवान पाप लगता है, कर्म अच्छे करने चाहिए, इस तरह की जब कथा प्रारंभ की तो फिर वो शुरू हो गया वेदों वाला ज्ञान देने लग गया। फिर उन्होंने सोचा वेदों वाले ज्ञान से तो मेरी पोल पटेगी, साथ में उसने अपना भी मत प्रवेश कर दिया। गीता जी के ज्ञान में कई मंत्रों में स्पष्ट कहता है कि ये तो मेरा मत है और ये अलग से ज्ञान है, ये वेद ज्ञान है और इससे इनसे भी और कोई और ज्ञान है, वो तत्वदर्शी संत सुनाएंगे। तो पुण्यात्माओं जो वेदों वाला ज्ञान है गीता में वो 100% सत्य है, और उसके विपरीत जो ज्ञान है गीता के ज्ञान से कुछ और घुसोड़ रखा है उसने, जैसे तो युद्ध कर ले तेरा पाप नहीं लगेंगे, तुम युद्ध कर अर्जुन तुझे पाप नहीं लगेंगे, ये सब मैंने ही मार रखे हैं, तू पाप को प्राप्त नहीं होगा, और फिर वो पाप लगे। अब ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं, श्री कृष्ण में प्रवेश करके प्रेत की तरह इस काल भगवान ने कहा।